प्रेस क्लब हमीरपुर की अहम बैठक प्रेस रूम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश कंवर ने की। बैठक में प्रेस क्लब हमीरपुर के द्वारा 7 मई को हमीरपुर के गांधी चौक पर रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर को ठीक ढंग से आयोजित करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर ने बताया कि 7 मई को होने वाले रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त ऋचा वर्मा शिरकत करेंगी। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर का शुभारंभ सुबह 10:15 बजे किया जाएगा, जिसमें प्रेस क्लब के सभी सदस्यों के अलावा दूसरे रक्तदाता भी रक्तदान करेंगे। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने का लक्ष्य 100 से ज्यादा यूनिट का रखा गया है, जिसे सफल बनाने के लिए हर सदस्य अपना अहम योगदान देगा। विशेष मीटिंग जो थी वो हमीरपुर प्रेस क्लब ने एक निर्णय लिया है कि 7 मई को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमीरपुर प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ साथ अन्य लोग भी रक्तदान करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि इस शिविर में करीब 100 यूनिट हम कलेक्ट करें और स्थानीय हॉस्पिटल में उसको डोनेट करें, ताकि वहां पर जो ब्लड बैंक है वहां उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके। और इसके बाद प्रशासन की ओर से जिलाधीश समीरपुर इसमें जो है मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। गांधी चौक में ये रक्तदान शिविर करवाया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद जो है वो प्रेस क्लब ये चाहता है कि समाज में जो है वो रक्तदान शिविर के प्रति जो है वो जागरूकता बढ़े, बस इसी एक मकसद से जो है ये रक्तदान शिविर करवाया जा रहा है। और हम लोग अपील करते हैं प्रेस क्लब के माध्यम से कि जितने भी रक्तदाता हैं वो 7 मई को गांधी चौक में पहुंचकर इस पुण्य काम और समाज के एक अहम काम में योगदान दें। जितने ज्यादा इसमें योगदान कर पाएंगे वो अपने साथ भी कुछ लोगों को लाएंगे, जितने वो ला पाएंगे, और मुख्य अतिथि से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी रक्तदान में हिस्सा लें, ताकि इस रक्तदान का जो उद्देश्य है उसमें हम सब लोग उनके साथ जो है वो कामयाब हों। इस अवसर पर बैठक में वरिष्ठ सदस्य विक्रम डटवालिया, रविंदर चंदेल, पंकज भारती, संजय शर्मा, प्रवीण कुमार, अनिल शर्मा, जसवीर कुमार, विशाल राणा, अरविंद सिंह, मुकेश कुमार, देशराज कौशल, धर्मवीर अश्विनी इत्यादि मौजूद रहे।